उसने ट्रेन है, उसको यहाँ से चलना है या रुकना है, तो ऑब्वियसली यहाँ से स्टार्ट हुई, ट्रेन स्पीड पकड़ती है पहले, मतलब एक्सेलरेट करती है, एक्सेलरेट करेगी तो यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन शायद एक्स दिया हुआ था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्स, यहाँ का एक्सेलरेशन एक्स है। और यहाँ पर पहुंचने के बाद उसे लगा कि स्टेशन आने वाला है, उसने ब्रेक लगाने स्टार्ट कर दिए, तो ब्रेक लगाया तो यहाँ से यहाँ तक रिटार्डेशन हुआ, -y, और ये स्पीड है VC। यहाँ की कोई स्पीड होगी, जब तक उसने एक्सेलरेट किया उसका रिटार्डेशन हुआ, तो सी पॉइंट से ऐसा हुआ, तो मैंने यहाँ की स्पीड मान ली कि यहाँ की स्पीड VC है, तो हम VC लिख सकते हैं, ये 0 है और यहाँ पर VC स्पीड है और यहाँ पर एक्स है, तो लिख सकते हैं VC² - U² = 0² (2x), और ये डिस्टेंस भी कुछ होगा, मान लेते हैं S1 है, तो S1, अगर ये S1 है तो फिर ये 4 - S1, सेकंड के लिए हम फिर से लिख सकते हैं, अब सेकंड सेगमेंट में यहाँ 0 वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी VC है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 - VC² = 2 (-y) (4 - S1) इनको अगर हम ऐड कर दें सीधा तो ये 0 रहेगा, ये 0, और यहाँ से कोरिलेशन आता है S1 में, इसको ऐड कर दें दोनों को तो ये कैंसिल हो गया, इस साइड 0 2x S1 2x S1 - 2y 4 - S1, इसको इधर ले आते हैं, 2y 4 - S1 = 2x S1, 2 से 2 कैंसिल, 4y - S1y = x S1, S1 को उधर ले आते हैं, 4y = S1, पॉजिटिव टर्म हो जाएगी उधर जाके, तो x + y (S1), तो S1 हमारे पास आ जाता है, S1 है 4y / x + y, साइन में प्रॉब्लम तो नहीं, 4y - y S1 x S1, तो S1 की वैल्यू आ गई, ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गया, तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट आ गया तो ये भी लिख लो फिर, ये कितना है 4 - S1, 4 - S1 को अगर लिखेंगे तो 4 - 4y / x + y, और ये होगा 4x / x + y, ये सेकंड सेगमेंट है, ये जिसको हम लोग S2 बोल सकते हैं, कि ये S2 है, तो हम इसको S2 बोल सकते हैं। तो ये तो उसने डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन दिया था, डिस्प्लेसमेंट जो इन्फॉर्मेशन दी थी, उससे हमने S1 और S2 कैलकुलेट कर लिए, S1 हमारा ये आता है, S2 ये आता है। टाइम टाइम में भी रिलेशन दिया हुआ है, ये टाइम टी है, कल टाइम इसलिए भी ज्यादा लग गया क्योंकि टाइम जो है ना, मैं काफी देर तक यही सोचता रहा कि टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करें कि ना करें, अब आंसर किस हिसाब से दिया है, और आंसर मतलब बड़ा मतलब एक स्ट्रेंज है इस चीज मेरे लिए, कि सिस्टम दो अलग अलग सिस्टम के पैरामीटर्स हैं, 1 किलोमीटर 1 मिनट है, तो बहुत टाइम तो मैं यही सोचा टी को अब 4 - t मिनट्स में लिखूं या सेकंड्स में लिखूं, इसलिए मतलब मैं हमेशा ट्राई करता रहा, एक प्रॉपर मेथड चल नहीं पाया, क्योंकि प्रॉपर मेथड मतलब प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करो, प्रॉपर सिस्टम यूज करो, तो अब तो पता ही है कि ये वियर्ड सा एग्जाम्पल है, तो लिख लेते हैं इसको टाइम, यहाँ का टाइम, तो यहाँ की वेलोसिटी भी तुम लिख सकते हो, यहाँ 0 है, यहाँ का एक्सेलरेशन एक्स है, और ये टी टाइम है, तो यहाँ की वेलोसिटी फिर से लिख सकते हो, VC = U + AT (UX)(t), और यहाँ से फिर लिख सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ भी है, तो ये 0 है, ये VC है, तो 0 = U, U मतलब VC - y 4 - t, तो यहाँ से VC आता है y (4 - t), VC = 4y - yt, और VC यहाँ से भी आता है XT, तो यहाँ से T आ जाता है, T आता है 4y (x + y) (t), तो T आ गया 4y / x + y, ये टाइम है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, S1 का टाइम है, S2 का टाइम 4 - t है, और हम 4 - 3 कैलकुलेट करें, तो 4 - 3 अगर कैलकुलेट करें हम कंप्लीट, तो ये आएगा 4x / x + y,
S1 S2 और ये सब रिलेशन सेम आ गए। हम प्रूव कर रहे हैं 1 by x plus 1 by y is 2। तो आगे लिखते हैं t is 4x by x plus y। आवाज आ रही है? यस सर। नेटवर्क चला गया ना। देखो ए बी ये सी, तो इसको x1 x2 में लिख लेते हैं। ये s1 s2 s1 हमारा पास आया हाफ u t plus half a t square, ये भी लिख लेते हैं half x t one square। और s2 हमारे पास आता है, यहाँ का रिलेशन है माइनस वाई ना, तो मैंने कहा था यहाँ से तुम लिखो, यहाँ पर स्पीड जीरो हो जाएगी, यहाँ पर वी सी है, तो तुम ऐसे ही मान सकते हो s2 को कि यहाँ जीरो से चलना स्टार्ट किया और y से एक्सेलरेट करता है, तो s2 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो s2 इज हाफ वाई टी टू स्क्वेयर। ये टाइम t1 है और ये t2 है। s1 plus s2 is 4 एंड t1 plus t2 is 4, ये दोनों सेम है। तो यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी रिलेशन लिख सकते हैं। ये v जो हमारे पास आया वो आया xt1, यहाँ की वेलोसिटी v को u plus at, v is equal to u plus at, u मतलब जीरो। और इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से हमारे पास आता है vc is yt2, तो दोनों सेम है। यहाँ की वेलोसिटी इसके इस सेगमेंट से लिखेंगे तो यह आती है, इस सेगमेंट से लिखेंगे तो यह आती है। इन दोनों को ऐड कर लें तो 1 by 2 x t1 square plus 1 by 2 y t2 square, इन दोनों को ऐड करेंगे इस 4, ये दोनों ऐड करेंगे तो s1 plus s2 is 4। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, t1 या t2 की वैल्यू रख दो, t2 और t1, vc से vc कैंसिल, xt1 is yt2। xt1 कितना हो गया, xt1 into t1 plus half yt2 into t2। xt1 की वैल्यू yt2 पुट कर देते हैं, half yt2 into t1 plus half yt2 into t2 is 4। हाफ वाई टी टू कॉमन ले लो, हाफ वाई टी टू कॉमन लिया तो टी वन प्लस टी टू इज 4। हाफ वाई टी टू इज t1 plus t2 4 हो गया, t1 plus t2 4 है, तो हाफ वाई टी टू इज into 4 इज 4, हाफ वाई टी टू इज 1, वाई टी टू इज, यहाँ की स्पीड आ गई 2,
वाई टी टू आ गया, तो एक्स टी वन और वाई टी टू दोनों टू आ गए। अब पीछे रिलेशन जो कैलकुलेट किए हम लोगों ने, वहां से इन सबको असेंबल करते हैं। Excuse me, sir. अच्छा, 4 minus t2 minus 1 is x by y. तो 4 by t2 is equal to x by y plus 1. तो t2 हो गया, t2 हो गया x plus y by y, और t2 इधर जाएगा 4y by x plus y. यहां पर पुट कर देते हैं, यहां पर समझ में आया क्या ये? ये नहीं आया, इससे भी कर सकते. देखो ये, देखो ये चीज समझ में आ गई थी जो ये किया था. s1 देखो, ये आ गया था s1 s2. देखो इस पर देखो, हाफ एक्स वन टी स्क्वायर, हाफ एक्स टी वन स्क्वायर प्लस हाफ एक्स हाफ वाई टी टू स्क्वायर इज 4. यहां से बताते जाना, ये ठीक है? इतना टी वन स्क्वायर और टी टू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं. टी वन की वैल्यू हमने पहले सबसे पहले कैलकुलेट की थी. टी वन जो है वो T1 मतलब ये हमारा पहले सेगमेंट का टाइम, और T2 हमारा ये है. तो T1 हमारा 4 by x plus y है, तो यहाँ पुट करते हैं half x 4 y by x plus y whole square plus half y T2 को यहाँ से, T2 ये टाइम है, 4 x by x plus y whole square is 4. इसको हम एक्सपेंड करें तो half x 16 y square x plus y whole square half y 16x square x plus y whole square is 4. टू को उधर ले जाते हैं, ये टू, ये टू उधर के मल्टीप्लाई, x plus y square ये भी उधर चला जाएगा. तो ये आ गया x 16y square plus y 16x square 4. 4 into 2, 4 into 8 x plus y whole square. यहां से कॉमन ले सकते हैं 16xy, यहां 16xy कॉमन लोगे तो यहां बच गया y प्लस x, यहां हो गया 8x plus y होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया.
16xy is 8 times of x plus y. इसको इधर ले आओ, 2 x plus y by xy, 2 सेपरेट करो, 1 by y plus 1 by x. ये आया? Yes sir. देखो t कैलकुलेट किया हम लोगों ने, हाफ x1 है, हाफ x t1 square plus हाफ y t2 square. ये इक्वेशन लिखी s1 s2, s1 plus s2 is 4. और दोनों टाइम t1 और t2 कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर दिए, तो इससे आ गया, इससे आएगा. ठीक है कृतिका, ये आया? Yes sir, आ गया. नेक्स्ट बताइए. सर जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें मेरी दो इक्वेशंस बनी है लेकिन आंसर नहीं आ रहा, वो u और a के टर्म्स में ही आ रहा है. देखते हैं, पार्टिकल मूव्स अलोंग द x डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. पार्टिकल मूव अलोंग द x डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन होगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, a फिक्स है, डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर कन्वीनियंट पोजीशन. देखिए ये कोई रेफरेंस पॉइंट है, ये ओरिजिन है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है और ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, वो यहां से स्टार्ट होता है टाइम जीरो पर, एक्स की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट इज टू टाइम जीरो, यहां से स्टार्ट होता है वो. एट टाइम टी इक्वल्स टू 10 सेकंड, 10 सेकंड पर क्या हुआ, एंड इज जीरो, 10 सेकंड पर वो यहां होता है. एट टी इक्वल्स टू जीरो पार्टिकल यहां पर है, एक्स की वैल्यू जीरो है, टी इक्वल्स टू 10, एट टी इक्वल्स टू 10 सेकंड्स वो यहां पर है. If the velocity of the particle is momentary zero at t goes to 6 seconds, तो यहाँ से यहाँ था और यहाँ पर आया वो 10 सेकंड के बाद, तो यहाँ से कहीं घूम के आया होगा इधर, acceleration तो हमेशा एक ही direction में रहा होगा, तो मान लेते ये यहाँ पर t goes to 6 seconds, उस time velocity उसकी zero है. तो ये velocity 6 है, ये velocity t second है, t second पर velocity zero है, और यहाँ पर t zero पर x जो है वो 2 है, तो तुम्हें displacement पता है, displacement कितना है, ये displacement है 2, position यहाँ पर है, यहाँ पर ये position उसने नहीं दी ना, ये position नहीं दी, तो यहाँ की velocity हम calculate कर सकते हैं, ये time zero है, ये time 6 second है, तो यहाँ से यहाँ तक का time हो गया 6 second. v is equal to u plus at, तो यहाँ की वेलोसिटी आ जाएगी v is equal to u plus at, यहाँ पर जो वेलोसिटी जीरो है, यहाँ की वेलोसिटी u plus acceleration into time is 6, तो u plus 6 a is zero. फर्स्ट इक्वेशन तो ये है. एट टाइम t equals to 10 seconds, particle की position ये है, तो लिखते हैं s is equal to ut plus half at square, ये तो हो गया t 0 से और t 6 तक, ये equation में use की यहां से यहां पे. और मैंने कहा था equation valid है, equation कब valid होती है, जब particle origin start होता है, अगर वो पहले से कहीं से आगे से start हो गया, वैसे क्या लिखेंगे हम लोग, s नॉट पहले की जो पोजीशन है प्लस ut प्लस हाफ at square, मैंने ये कहा था. तो आज जो मोशन है ना वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, टाइम जीरो पर यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब ऑलरेडी इसकी वैल्यू 2 तुम्हें रखनी पड़ेगी, प्लस u यहाँ की वैल्यू. सर अब हो गया, ये 2 ही नहीं रखा था. अच्छा अच्छा, बाकी किसी का है डाउट ये?
चलो कंप्लीट कर देते हैं, और किसी का डाउट होगा तो एस तो जो यस है सर, ना एट यहाँ से लगाते हैं, एट टी इक्वल्स टू 10 सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, और एट टेन टेन सेकंड पर पोजिशन की इक्वेशन लगाना चाहता हूँ, एट टी इक्वल्स टू 10 सेकंड पोजिशन इज जीरो, तो एस की वैल्यू जीरो है। यू टी टी तो 10 सेकंड हो ही चुके उसको, तो 10 प्लस हाफ ए इंटू 10 स्क्वायर इज 100। यू की वैल्यू हमारे पास पहले आ चुकी, यू इज 6 प्लस सॉरी यू प्लस 6 है, यहाँ पुट कर देते हैं यू इज 6 प्लस 2 प्लस u u u u is u plus 6a is 0, तो u की वैल्यू पुट कर देंगे -6 से into 10 plus 1/2 a 100 हो गया, ये 50 a, तो ये 50 a और ये -60 a और ये 2, तो 2 minus 60 a plus 50 a ये 0 और 2 minus 10 a, तो 2 माइनस 10 है तो ए हो गया तुम्हारा 1/5, और ए को यहाँ पुट करोगे तो फिर यू आ जाएगा तुम्हारे पास, यू यू कितना होगा, यू इज -6 है, तो -6/5, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट 20 उसके बाद, सेकंड per meter. Displacement and instant when the velocity of is 10 meter per second. अच्छा ये यूनिट थोड़ा अजीब सी दी है, तुम लोग इसका मतलब समझ पाए कि ये क्या है? velocity of a particle moving in a straight line is decreasing at the rate of 3 meter per second. velocity decreasing मतलब dv, डेल्टा वी डिक्रीज करी, चेंज हो रही है वेलोसिटी, डीवी डीवी इज 3 मीटर पर सेकेंड, ये दिया है, और डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव साइन आता है हमेशा, डिक्रीजिंग रेट हमेशा नेगेटिव साइन से शो किया जाता है, उसने कहा है डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, दैट मींस -3 मीटर पर सेकेंड, और पर मीटर मतलब डीएस, पर मीटर मतलब ये डीएस है, अब ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी, और पर मीटर मतलब विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ये तुम्हें दिया हुआ है डीवी बाई डीएस इज -3 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट सेंटेंस का मतलब ये है, ये चीज समझ में आई क्या? तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग 3 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, डीवी बाई डीएस इज -3 मीटर पर सेकेंड, माइनस मतलब डिक्रीजिंग का है, और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में हो गई, और पर मीटर भी क्या है तो डीवी बाई डीएस कर दिया, ये डीवी बाई डीएस आ गया, तो सब तो शायद हो जाएगा ये। अब पूछा क्या है, पर मीटर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एट एन इंस्टेंट व्हेन द वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन तुम्हें बता रहे हैं, और यहाँ पर v जो है वो 10 है, ये डीवी बाई डीएस इज -3 मीटर पर सेकंड व्हेन व्हेन वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड, तो v की वैल्यू तुम्हें दी है 10, एक्सेलरेशन पूछा गया है ना, एक्सेलरेशन डिटरमाइन द एक्सेलरेशन, तो a इज g डिवाइड s, तो ये 10 है और ये -3 है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट 24, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय at, हां जी, फाइंड द इनिशियल स्पीड, a is 3 minus 2t, मैं सीधे लिख मीटर पर सेकंड और मीटर क्यूब को मैं बाय डिफॉल्ट है ही वो एक्सेलरेशन है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ 3 minus 2t, ये तुम्हें एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और तुमसे पूछा गया है 24 बोला था, 24 फाइंड द इनिशियल स्पीड मतलब वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू जीरो,
ये बता रहे हैं। तो हमें पता है एक्सेलरेशन और टी में रिलेशन दिया, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, डीवी बाई डीटी लिख सकते हैं इसको, 3 - 2t, तो डीवी कितना होगा, 3 - 2t dt इंटीग्रेशन। तो वी आ गया, इंटीग्रेशन कर लेंगे तो यहाँ से वी आ जाएगा 3 dt, मतलब 3 का इंटीग्रेशन 3t माइनस 2 dt का 2 dt dt का 2t² / 2। डीवी बाई डी टी आया ये, चलो तो कुछ दिया है उसने, सच देता पार्टिकल विल हैव द सेम एक्स कोऑर्डिनेट एट टाइम टी इक्वल्स टू 5 सेकंड इट हैड एट टी इक्वल्स टू 0। एक तो रिलेशन ये आ गया, इसको तो अभी रख लो संभाल के, इसको ऐसे मत रखो। एक और रिलेशन दिया हुआ है, जब ये वी तुम्हारा ये आया है, वी तुम्हारा ये है, उसमें कंडीशन दी है कि इसको तुम लिमिट लगाओ 0 to t एंड u टू v, पर 0 टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी u थी और t टाइम पर वेलोसिटी v है, तो इसकी लिमिट अगर मैं पुट करूं u टू v और 0 to t, तो यह आएगा v माइनस u इज 3t - 2t² / 2, मतलब v इज इक्वल टू u प्लस 3t + t² - ये v की वैल्यू आ गई, ये भी आ गया। ये अगर भी है, उसमें कंडीशन और दी है कि इनिशियल स्पीड बताओ अगर ऐसा हुआ था तो, पार्टिकल विल हैव द सेम कोऑर्डिनेट एट टी इक्वल्स टू 5 सेकंड एंड एट टी इक्वल्स टू 0। हम क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो नहीं है, हम लिखते हैं डीएक्स बाई डीटी, पोजीशन के बारे में बताया, डीएक्स बाई डीटी इज वी, और डीएक्स बाई डीटी इज वी, तो डीएक्स इज वी डीटी और dx is v, v की वैल्यू ये पूरी है, u प्लस 3t प्लस t² dt इंटीग्रेशन, टाइम वेरिएबल है टाइम 0 और 0 और टाइम t लिख देते हैं, यहाँ टाइम 0 पर डिस्प्लेसमेंट पता नहीं कितना है, x नॉट मान लेते हैं और टाइम t पर मान लेते हैं xt है, तो dx की लिमिट हो गई xt माइनस x नॉट, इंटीग्रेशन करोगे तो u dt का इंटीग्रेशन ut प्लस 3t का इंटीग्रेशन 3t² / 2 माइनस t² का t³/3। तो आंसर आ जाता है xt माइनस x नोट ut प्लस 3t² - t³/3। अब दिया है एट t गोज टू 0 एंड एट t गोज टू 5 x 5, मतलब 0 और 5 पर पोजीशन सेम, मतलब x 5 एंड x 0 x 0 दोनों सेम है, यहाँ पर पुट कर लेते हैं हम लोग, x 5 कितना आया, xt तो यह आ गया, xt इज x 0 प्लस ut प्लस 3t² / 2 माइनस t³/3। 5 सेकंड पर कितना होगा ये, 5 सेकंड पर होगा ये x 5 x 0 प्लस u इंटू 5 प्लस 3 5² = 25/2 माइनस 5³ = 125/3। और डिस्प्लेसमेंट पोजीशन एट 5 एंड पोजीशन एट 0 टाइम आर सेम, मतलब ये दोनों सेम है, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, इस साइड आ गया 0, u इंटू 5 प्लस 75/2 माइनस 125/3। उसे एलसीएम ले लेंगे तो 6 आएगा, तो ये जाएगा 30u, ये हो गया 225 और ये हो गया 250, माइनस करेंगे तो 25 आ गया, ये 0, 30u माइनस 25, तो यहाँ से आ जाता है u इज 25/30, दैट मीन्स 5/6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? Yes, sir. Next बताइए। 625.
25 देखो, a particle moves along a straight line, horizontal path, sorry, a particle moves along a horizontal path such that its velocity is given by, velocity given है, कोई expression है, now 3t square minus 60, if initially located at your origin, मतलब a position at time 0, a position is 0, origin से start हुआ है, determine the distance traveled by the particle in the time interval 0 to 3.5 seconds. और 0 to 3.5 seconds में उसका displacement कितना होगा और उसकी average speed कितनी होगी, उसकी average velocity कितनी होगी. V is 3t square minus 60, ये v है और v को हम लिख सकते हैं dx by dt. तो यहाँ से पोजीशन आ जाएगी हमारे पास और dx by dt को तो पोजीशन क्या, 3t square minus 60, dx is 3t square minus 60 dt, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये टाइम जीरो से t, और टाइम जीरो पर कुछ पोजीशन होती है तो x नॉट मान लेते हैं, और टाइम t पर xt, तो dx का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट पुट करोगे xt माइनस x नॉट, ये 3t स्क्वायर, 3 t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 माइनस 6 t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 0 टू t, xt माइनस x नॉट, 3 से 3 कैंसिल, t क्यूब माइनस 3 t स्क्वायर. सर इनिशियली ओरिजिन पर है, तो x0 की वैल्यू 0 दी हुई है, इनिशियली पार्टिकल वाज एट ओरिजिन, दैट मींस x0 इक्वल्स टू 0, सो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन एट एनी टाइम t इज t क्यूब माइनस 3 t स्क्वायर. अब देखिए ये पोजीशन है किसी भी टाइम पर और वेलोसिटी किसी भी टाइम पर ये है, उसे पूछा गया है कि 0 टू 3.5 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी क्या होगी, टाइम जीरो से लेकर के टाइम 3.5 के बीच में एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. मैंने कुछ बताया था इसके बारे में, अगर तुमसे वेलोसिटी और स्पीड कभी पूछी जाए ना, वेलोसिटी तो फिर भी ठीक है, अगर स्पीड कभी पूछी जाए तो उसके लिए तुम्हें चेक कर लेना चाहिए उस इंटरवेल में कहीं पार्टिकल रुका तो नहीं है. तो देखो कि कब रुका था, रुकना मतलब वेलोसिटी कभी जीरो तो नहीं हुई इस इंटरवल में, कहीं जीरो हो गई हो और वो वापस चल पड़ा हो, तो डिस्प्लेसमेंट तो ठीक है पर डिस्टेंस जो है वो हमें माइनस नहीं करना होता है, प्लस ही करना होता है हमेशा, तो फिर हम लोग पता करते हैं उसका. अगर स्पीड कभी कैलकुलेट करनी हो, वेलोसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम जीरो पर पोजिशन देख लो कितनी है, टाइम 3.5 पर पोजिशन देख लो कितनी है, वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और टाइम तुम्हें पता ही है 3.5 है. तो पहले एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर देता हूँ मैं, एवरेज वेलोसिटी पोजिशन एट 3.5 माइनस पोजिशन एट जीरो, जीरो टाइम है ना, जीरो टू 3.5, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और टोटल टाइम इज 3.5. पोजिशन एट 3.5 इज 3.5 क्यूब, ये तो वैसे ही अजीब हो गया, ये 3.5 क्यूब माइनस 3 टी स्क्वायर, 3.5 स्क्वायर बाय 3.5, इनसे 3.5 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 3.5 स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर एक पावर बच गई 3.5 माइनस यहाँ बच गया 3 और 3.5, एक 3.5 से 3.5 कैंसिल हो गया, 3.5 इंटू 0.5 और ये तुम्हारा हो गया 1.75 मीटर पर सेकेंड. ये एवरेज वेलोसिटी आ गई. एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, एवरेज स्पीड जब कैलकुलेट करनी हो तो ध्यान रखना, और इसलिए ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन एवरेज स्पीड का, कि पार्टिकल देखो मुझे पता नहीं है, चेक करूंगा, इसके बीच में एक बार जरूर रुका होगा, जरूर रुका होगा इसके बीच में, वेलोसिटी कभी ना कभी जीरो हुई होगी, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, वेलोसिटी कब जीरो हुई पता कर लो, v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 60, कब जीरो हुई, 3t स्क्वायर माइनस 60, तो t की वैल्यू एक तो जीरो हो गई, एक तो स्टार्टिंग में जीरो पर था और इसके अलावा t कॉमन लिया,
थ्री टी माइनस टू इज जीरो, सॉरी थ्री टी माइनस सिक्स. एक तो टी की वैल्यू जीरो आ गई, एक तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी जीरो थी, और उसके बाद थ्री टी माइनस सिक्स जीरो पुट करेंगे तो एक टू सेकेंड पर जीरो वेलोसिटी थी. एक्सेलरेशन अगर देखें उसका, एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी चलो तो ये टी इक्वल्स टू टू सेकेंड हो गया. एक्सेलरेशन देखो डी वी बाई डी टी ये थ्री टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी माइनस सिक्स. एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है, हालांकि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है पर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. हम तो ये देखते हैं कि 3.5 सेकंड में उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया है. फिर वो थोड़ा मोशन को पिक्चराइज करने की कोशिश करते हैं, डायग्राम बनाते हैं इसका. टाइम जीरो पर उसकी वेलोसिटी जीरो, हमें पता लगा टाइम जीरो पर वो जीरो पर था, जीरो जीरो पर ओरिजिन पर था, वेलोसिटी उसकी जीरो थी, और टू सेकंड के बाद वो रुक गया फिर से. तो यहाँ गया जीरो टाइम, यहाँ पर टाइम जीरो, और टू सेकंड पर वो यहाँ है. और टू सेकंड के बाद क्या हुआ, वो रुक गया. और रुकने का मतलब क्या है, टू सेकंड के बाद रुकने का मतलब है कि वो वापस चलेगा, इस तरह वापस चलेगा. तो जीरो से टू तक का डिस्टेंस तुम कैलकुलेट कर लो, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है ना. तो और उसके बाद 3.5, जीरो से टाइम टू सेकेंड से यहाँ तक हो गया, और टू से 3.5 मान लेते हैं यहाँ कहीं हुआ 3.5, और जहाँ भी ये मान लेते हैं कि यहाँ कहीं है, ये है, ये 3.5 है, ये 3.5 है, और 3.5 सेकंड पर यहाँ पहुँच गया. तो अगर डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो जीरो से लेके 3.5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है जो हमने कैलकुलेट किया अभी, वो तो हम कर चुके. डिस्टेंस कितना हुआ है, पहले वो गया ये, फिर वापस आया ये, डिस्टेंस ये सब हुआ है, ये और ये तुम्हें ऐड करने. तो ये तो है, इसको इसको बोलते हैं एक्स नॉट पोजिशन एट जीरो, इसको बोलते हैं पोजिशन एट टू, और इसको बोलते हैं एक्स 3.5. तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ डिस्टेंस, ये एक डिस्प्लेसमेंट है हमारे लिए, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये होगा एक्स टू माइनस, ये यहाँ से इसको माइनस करते हैं एक्स टू माइनस एक्स नॉट प्लस, इसको ऐड कर दो. इसको ऐड करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, तो अगर यहाँ से देखें तो ये वैल्यू ज़्यादा है कम है, तो उसको ऐसे लिखना चाहता हूँ एक्स टू माइनस एक्स 3.5. ये चीज़ समझ में आई क्या, ये चीज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज एक्स टू माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स टू माइनस एक्स एक्स 3.5. ठीक है, ये इसे ठीक है. यस सर. तो एक्स नॉट तो जीरो है, स्टार्टिंग में तो जीरो पर था, तो एक्स टू प्लस एक्स टू माइनस एक्स 3.5, टू टाइम्स ऑफ एक्स टू माइनस एक्स 3.5. एक्स की इक्वेशन हमारे पास है, एक्स की इक्वेशन हमारे पास है, एक्स एट एनी टाइम टी, एक्स एट एनी टाइम टी इज टी क्यू माइनस सी टी स्क्वायर. तो एक्स टू को पुट कर लेते हैं, एक्स टू इज टू, एक्स टू हो गया हमारा टू क्यू माइनस सी टी, टू क्यू माइनस थ्री इंटू टू स्क्वायर. माइनस 3.5 क्यूब माइनस 3 इंटू 3.5 स्क्वायर 2 जो कि 8 माइनस 12 माइनस, उसको फिर वही करते हैं 3.5 स्क्वायर कॉमन लेते हैं, 3.5 माइनस 3 0.5 2, और ये हमारा हो गया 8 माइनस 12 इज माइनस 4 माइनस 3.5 का स्क्वायर हो गया 12.25 इंटू 0.5. तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता तो नेगेटिव टाइम को इग्नोर कर देंगे, तो 8 प्लस 12.25 बाई 2 14 पॉइंट समथिंग, सॉरी 6 हो गया ये 6 14.125.
और टाइम से इसको डिवाइड कर देंगे तो टाइम इज 3.5 अराउंड अराउंड 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आएगा ये? यस सर। चलिए तो नेक्स्ट बताइए, कितना 25, 25 के बाद बताओ। 26 है। A particle travels in a straight line such that t is less than 2 greater than 6. A particle travels in a straight line. T is less than 6 but greater than 2 seconds. Its motion is described by v equals to 4 by a meter per second. Its motion is described as v equals to 4 by a meter per second. Here a is acceleration. A is meter per second square. मतलब acceleration है तुम्हारा। यहाँ पे a लिखा है। At t equals to two, v is equal to 6 meter per second. ऐसा दिया हुआ है। Determine the particle's acceleration when t equals to 3. तो t equals to 3 पर acceleration कितना होगा ये पता कर रहे हैं। तो पहले vt relation बनाते हैं। vt relation जो बन जाएगा उसको dv by dt कर देंगे। तो ये a है तो लिख सकते हैं va is 4, va is a is dv by dt is 4, vdv is 4 dt. Integrating on both sides. और time का तो हमें पता नहीं है तो हम लिख देते हैं at time 2 पता है, at time t equals to 2 v is 6, at any time t v कितना होगा पता नहीं है हमें, वो हम calculate करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं v square by 2 6 to v और 4 dt मतलब 4t 2 to t 1/2 ले लेते हैं बाहर, v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 36, 4 t माइनस 2। सर अगर तो v dv है ना तो सिर्फ v स्क्वायर बाय 2 का इंटीग्रेशन कैसे होगा इसका? ओके सर, पावर में क्या ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया तो 2 को इधर ले आए, ये 8 हो गया, 8 into t माइनस 2 v स्क्वायर, v square minus 36, 2 को इधर लगाए 8 हो गया, 8t minus 16, v square is 8t minus इधर गया 20, v is root of 8t minus 20, dv by dt is, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, 8t minus 20 power 1/2, dv by dt पहले इसको एक एक्सप्रेशन मान लो, पहले पावर का कर लो, पावर को आगे ले आए हाफ, पावर में से डिक्रीज करेंगे तो 80 माइनस 20 पावर माइनस 1/2। अब 80 माइनस 20 करेंगे तो 8, 2 इंटू 8 ये 4 हो गया, डिनोमिनेटर में लिख देते हैं रूट ऑफ 80 माइनस 20, ये डीवी बाई डी टी है और डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन पूछा गया तुम लोगों से एट 3 सेकेंड्स, तो ए at t goes to 3, acceleration at 3 seconds is 4 into 1 by root 8 into 3 minus 20, 4, 24 minus 20 is 4 root 2, so 1 by 2 is 2 meter per second. So acceleration at t goes to 3 seconds is 2 meter per second square. Okay, so एक और बता दीजिए, अभी टाइम है 5 मिनट, बोलो। 27 If the velocity of v of the particle moving along a straight line decreases linearly with its displacement, decreasing linearly with its displacement, पहले तो decreasing है,
और चेंज हो रही तो हम चेंज लिखते हैं डीवी, और विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो डीवी बाई डीएस लिखेंगे. डीवी बाई डीएस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग है तो ये माइनस साइन लगा दिया. और लीनियरली डिपेंड करती है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, लीनियर मतलब पावर वन पे डिपेंड करती है. एक्स या एस, एस ये एस है तो ये भी एस लिखो, इसको एक्स लिख लेते हैं. तो डीवी बाई डी एक्स एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनिटी लगाते हैं हम लोग हमेशा, लीनियरली डिपेंडेंट दिया हुआ है तो माइनस के एक्स लिख दिया. डीवी बाई डी एक्स इज माइनस के एक्स. From 20 meters per second to 0 meter, 0, 0 at s equals to 3 meter. अच्छा, तो velocity जो है initially velocity 20 है जब s 0 है, और velocity 0 हो जाती है जब s की value 30 होती है. तो s मतलब displacement और position, उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. dv by dx इधर ले गए, dv minus kx dx. इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इन लिमिट लगा देते हैं. व्हेन एक्स इज एस इज जीरो उस टाइम वेलोसिटी 20 है, व्हेन एक्स इज 30, एक्स इज 30 उस टाइम वेलोसिटी 0 है. तो डीवी का इंटीग्रेशन वी आएगा, तो वी 20 से 0 माइनस के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 0 टू 30. चलो एक जनरल लिख लेते तो ज्यादा सही रहता, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे. चलो तुम्हें कर दिया, वी जीरो माइनस 20 के बाई टू बाहर, 30 स्क्वायर मतलब 900 माइनस जीरो स्क्वायर माइनस 20 माइनस के बाई टू 900, माइनस से माइनस कैंसिल इधर आ गया 40 बाई 900. यहां से आता है k is 40 by 900, मतलब ये हो गया 4 by 2 by 45, k is 2 by 45 value of k. मैं इसी को दोबारा से, मेरे को चाहिए acceleration, चाहिए acceleration. Acceleration में पता है कि acceleration जो है acceleration होता है v dv by dx. acceleration is v dv by dx. तो dv by dx तो हमें पता है dv by dx is minus kx, तो हमें v कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो v के लिए एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका था वैसे, dv by dx is minus kx. तो dv minus kx dx integration when displacement is 0, कुछ भी लगा सकते हो. displacement जब 0 है तो velocity 20 है, और जब displacement की position कुछ s है उस टाइम वेलोसिटी वी है. हम एक रिलेशन चाहते हैं इसमें, वेलोसिटी का एक रिलेशन आ जाए. तो डी वी हो गया, डी वी का इंटीग्रेशन वी और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज वी माइनस 20 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर. तो वी इज 20 माइनस हाफ के एस स्क्वायर, ये वेलोसिटी है. और डी वी बाई डी एक्स कितने, डी वाई डी एक्स ये है, माइनस के एस लिख दो, एस या एक्स एक ही बात होती है. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, हमको हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो वी डी बाई डी एक्स 20 माइनस हाफ के एस स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है, इनटू माइनस के एस एक्सेलरेशन आ गया. उसने पूछा एक्सेलरेशन बताओ व्हेन एस इज 15, वैल्यू ऑफ एस इज 15. Acceleration is 20 minus half, k is 2 by 45, s square is 15, 15 into 15 minus 2 by 45, s is 15. Acceleration jo hai, ye ho gaya 45 aur ye 225, ye ho gaya 3 aur 5, mujhe total 5 aa gaya, 2 se 2 cancel ho gaya. 20 minus 5 is 15, और ये 3 हो गया तो माइनस 2 बाई 3, 3 से कैंसिल हो गया तो माइनस 10
मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। समझ आया? यस सर। अब ये तो अप टू 27 है, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन तुम्हें मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो बाकी सारे क्वेश्चन ग्राफ के हैं और रिलेटिव मोशन के हैं। तो मैं रिलेटिव मोशन और ग्राफ डिस्कस करने से पहले 2 दिन कल और परसों जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन को देना चाहता हूँ, तो तुम उसको करके आओ और रिलेटिव मोशन फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे, है ना? क्योंकि प्रोजेक्टाइल के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ अभी तक, तुम लोग बहुत धीरे चल रहे हो। तो 2 दिन जो बचे हैं वो दोनों प्रोजेक्टाइल के हैं, और रिलेटिव मोशन को देख लेंगे, मतलब संडे को कर सकते हैं, अगर 2 दिन में नहीं हो पाया तो संडे को कर लेंगे, या फिर तुम मुझे डाउट्स बता देना और डाउट्स के सॉल्व करके तुम्हें पेपर के ऊपर भेज दूंगा, ऐसे कर सकते हैं। 2 ऑप्शन रहेंगे, पर कल प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा, ठीक है? उससे क्वेश्चंस करके आना, डाउट क्लास में क्वेश्चंस डाउट पूछोगे तो ही चलेगी, अगर क्लास भी कैसे होगी, ठीक है ना? चलो अब मीटिंग लीव कर दो, कल मिलते हैं।